पूर्वर मध्य आमे देखिचे जे केमती बाघ रहीतिला एवं नुवापडारे गोटे बाघ आतंक पूर्वर भी देखिबाकु मिलितला तबे किछि दिन पर्यंत जहा कि दुईटी बाघंकु धरिकि नंदनकानन छडा जायतिला एवं किछि दिन जाय लोकमान आश्वस्त थिले किंतु पूरि थरे वर्तमान समय से चित्र सामना को आछि जे केमती पहाड उपरे बुलुचि बाघ जो चित्र जोठी आमे रेड सर्कल रहीचि गोल बुला जायचि अपन सेई जगह रे देखंतु जे बाघ केमती पहाड उपरे बुलुचि बाघटी बुलुतिला लोक माने देखे जेते बेले पार्टी कले से ही समय रे बाघटी दौड़ी जाइतिला तो पूर्ण थरे जेते बेले बाघ को देखिबा को मिलिछि सेते बेले कोठना कोठी आतंक मध्य देखा देछि तबे नुआपडा खरियार रोड रो हळदी जंगल पहाड़ रे बाघ बुलुथवार चित्र जाकी कैमरा रे कय देछि जहाँ को देख लोक मैंने आतंकित तो अवस्था अच्छा बाघटी को देखी गाँ लोके एकाठी जितेबाला हो हल्ला करते से दृश्य भी सामना को आक मान पार्टी शुणी बाघटी पहाड़ निकट रू दौड़ी पलैथार देखा मिली आसबु दृश्य क्यमेर कैदे किंतु कौटिना कौटि लोक मनरे एवं कोकुआ भय सृष्टि कारण किछि वर्ष तले खरिया रोड रेंज हळदी जंगल दुईट कलरापतरिया बाघ को धरी नंदनकानन छड़ा जाता आए पुणी एक बाघ देखापर वन विभाग को खबर दिया जाएगी विभाग बाघटी को काबू करने को कौन पदक्षेप नहीं ना बेले केवल लोक सतर्क रहिबाकु परामर्श दे विभाग तबे जो जदि आम देखा तेल आपन को किसी वर्ष तलर चित्र भी आम मन पकई दे बाघ आतंक देखा मिलता और बाघ को नहीं लोक मैंने भयभीत हो जाते से दुईट बाघ को नंदनकानन छड़ा किंतु किछि वर्ष पर किछि दिन पर पुणी जो बाघ देखिछन्ति लोक मैंने कौटिना कौटि मनरे भय सृष्टि आपण उपर देखिपारे पहाड़ उपर हेले सेठारे किछि मध्य रही घर टाइप रो किछि गोटे जिनस रही वस्तु रही अर्थात लोक मैंने स्थान को जीवा आसवा कर दिन में आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हो दिन दीपहर बाघ को देखा मिली रातिर अंधकार नुह बर दिन में आलोक बाघटी को देखा मिली अर्थात दिन बेला लोक आसवा रही था सत्वे भी बाघटी बुलुवार चित्र सामना को आ लोक मन यापर कोकुआ भय सृष्टि अधिक आलोचना करवा वर्तमान समय आम प्रतिनिधि आम सहित रही सहित अधिक आलोचना करवा विभूत तो आम प्रतिनिधि रही सहित अधिक आलोचना करवा विभूत तो जब वर्तमान समय आम देखा तो हमें नुआपड़े बाघ बुलू सब गुरुत्वपूर्ण कथा हो रातिर अंधकार नुहे दिन दीपहर बाघटी बुलू तेज विभूत जानवा को चाहिए वर्तमान समय वन विभाग को एने खबर दि जाए कौन पदक्षेप नहीं वन विभाग हाँ विजय लक्ष्मी देखु 2017 मसीह हल्दी गाँव में ही दीटी बाघ बाहर जो प्रथम बाघटा जिते बाहर से माँ पाखु कोल छुआ को झांपी नहीं छुआ पिंधिता वस्त्र पहाड़ उपरू मिलता से समय एने गाँव में उत्तेजना प्रकाश पाई से वन विभाग काबू करने जनता बसई धरवे सफल होता से गोटे नुह दीटी बाघ को कलरपतरे बाघ को से काबू कर नंदनकानन पठाई वर्तमान आज जहाँ ग्रामवासी देखी बाघ से कमेर आज कई किंतु तार मुवमेंटा प्राय 10 दिन हम लोक अनुभव करुंट देखुं किंतु आज ठीक सठिक भाव में देखी कैमेर उत्तोलन कर वन विभाग को खबर दिखाई पहाड़ बाघटी बुलुचे किसी घर कि मंदिर टाइप रिश्ता दृश्य मना अर्थात लोक मान रही सब गुरुत्वपूर्ण क्या सेटा होची गोटे मंदिर से जो देवी मंदिर माँ पूजा करा जाए सेठी आ लोके पूजा अर्चना पाई जाती आ से जगह ही बाघटा बारंबार बाहर गत वर्ष मना कर भी जो देखा जाता से पहाड़ उपरे से मंदिर पाखे ही तार दृश्यमान होता आईटू ही से आसिकी छोट छुआ मान जो छगन को माँ कोल छड़े नहीं तो से जगह ही जो वन विभाग सा जहाँ कथबार्ता होते जो दीटा बाघ बागुणी थे से समय छुआ मान दी तीन टी रही जाती आने गोटे बाघ नुह आई बाघ थी लोक ग्रामवासी दृढ़ प्रकाश कर कैमेर कई गोटे बाघ है यह पूर्व गोटे छुआ को माँ कोल बाघ झांपी नहीं था चर्चा सृष्टि करोटना कौटी बाघ भय लोक मन रही था लोक मैंने घरे घर बाहर को बाहर नमती गोटे भयर वातावरण सृष्टि होता तेज दुईट बाघ को जितेबाला जंगल को छड़ा गला परवर्त समय कौटिना कौटी लोक मैंने सामान्य आश्वस्त होते पुणी थे बाघ देखा
ଧରାଯିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବାଘ ବାଘୁଣୀଙ୍କୁ ଧରାହେଲା ସିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ବନ ବିଭାଗ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ ବିଭାଗ ୟା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇସାରିଛି ଆଉ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। କିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାଘ ଦେଖିଛୁ ବୋଲିକି। ତ ବନ ବିଭାଗ ତାର ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ହିଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଘକୁ ଧରିବାର ସେ ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ସେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରିକି ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଘର କବାଟ କିଳିକି ରହିବେ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଭୁଦତା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ କେତେ ନିଜ ତରଫରୁ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଯଦି ଦିନବେଳା ବାଘ ଏମିତି ବିଚରଣ କରୁଛି ତ ରାତି ହେଲେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ନିହାତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଘଟା ବାହାରୁଛି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ରହୁଛି, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ସେ ତାର ଇଏ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଜନବସତିରୁ ବହୁତ କମ ଦୂରରେ, ପାହାଡଟା ଗାଁକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ ପାହାଡର ଉଚ୍ଚତାରୁ ସେ ବାଘଟା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛି, ମଣିଷର ଗତିବିଧି ପଶୁପକ୍ଷୀର ଗତିବିଧି ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ବାଘଟା ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ ପାହାଡ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଏଇ ବାଘଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗାଁର ଅତି ନିକଟରେ ବାଘ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଭୟ ବଢୁଛି, କାରଣ ଦିନରେ ସିନା ସେମାନେ ବାଘକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ବାଘ ହୁଏତ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିଥାଇପାରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାଘକୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେଇ ଯୋଉ ରହିଛି ହଳଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି। ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବାଘ ବୁଲୁଛି, ଏହା ଆହୁରି ଭୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କର। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜନବସତି ପାଖରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଘ ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ବି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି, ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ଏବଂ ବାଘଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ବିଭୁଦତ୍ତ ଆମକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୁଦତ୍ତ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।